हेलो दियो समबडीज, वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हम विडन फॉरेस्ट के सामुराई से लड़ाई किए थे, तब हम बीडल के झुंड ने हमारे मेटापोड को उठा लिया था, तो हमने उसे बचाया। तभी हमारा कैट मेटापोड इवॉल्व हो गया बटरफ्री में। तो इस एपिसोड में गाइस हमें जाना है जिम लीडर ब्रॉक के जिम में और उसके हरा के अपना पहला बैज हासिल करना है। यह मैन यह फ्यूटर सिटी पोकेमोन जिम लीडर ब्रॉक द रॉक सॉलिड पोकेमोन ट्रेनर। ओके सो हमें जाना है। ओके ओके तो ब्रॉक कैसा है तू? वो गोज देयर। मेरा नाम ब्रॉक है, मैं हूँ इस जिम का लीडर। ओ ये तुम्हारा फर्स्ट जिम बैटल है और ये तुम्हारा पिकाचू। पिकाचू क्यूट, बहुत क्यूट स्टेज में है पर ये जीत नहीं पाएगा। जिम में होने के नाते मैं हर चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, तो चलो इसे खत्म करते हैं। ओके तो इसे जाम ऑन एक्स हमारे पक्का जीत नहीं पाएंगे, पर तब भी जाम मुझे हारना है अपने को बस बिकॉज अभी वो इलेक्ट्रिक अरे कौन सा इलेक्ट्रो बॉल अपने को चाहिए ना यार। तो सन अटैक। सो हम इसे कैसे भी करके हरा देंगे। सन अटैक करो थोड़ा, एक बार हमला कर दे प्लीज़। ओके हमने इसे पैरालाइज कर दिया, क्या बात है, हमने कैसे भी हरा दिया इसे। ऑनिक्स वापस आ जाओ। ओके 104 रुपये देने पड़े। तुम्हारे पोकेमोन इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि वो मेरे से लड़ाई करते है। वापस आना जब तुम और ताकतवर हो जाओ। ओके तो गजब बजती है यार, तो अभी मुछीला लाया है जो बेचता है एक पत्थर। मेरे साथ आओ। ठीक है यार, हमारा इतना क्या है, हम तो किसी के साथ भी चले जाते हैं, काम धंधा नहीं है। Everyone lost sometimes. You can let you down. Doc very good, बहुत अच्छा है, उसका टैलेंट है बहुत ज़्यादा कि वो लोकल जिम लीडर को भी बेहतरीन है। बट ब्रॉक के 9 छोटे ब्रदर और सिस्टर्स है, इसे उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए वो ये टाउन कभी छोड़ नहीं सकता है रीजनल चैंपियनशिप के लिए। ही इज गुड फॉर नथिंग फादर लेफ्ट द फैमिली टू बिकम अ पोकेमोन ट्रेनर एंड दे नेवर हियर फ्रॉम हिम अगेन। हार्ट ब्रोकन मदर ट्राइड हर बेस्ट टू होल्ड थिंग टूगेदर बट सैडली ही सी पास्ड अवे। ब्रॉक इज द ओनली वन हिज लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर लेफ्ट। सो यू कैन बीट ब्रॉक। I may just say away that you can supercharge your Pikachu. This is town hydroelectric plant. Follow me. Okay. The river turned the wheel to generate electricity. I believe that it generated some excess power at one time and it formed into a high energy ball. I'm sure that will okay. So ye bol raha tha ki Brock jo hai wo kafi aisam बेहतरीन है और काफ़ी टैलेंटेड है और वो ये टाउन का भी छोड़ के नहीं रह सकता कि उसके भाई बहन को उसे ध्यान रखना पड़ता है। उसके डैड पोकेमोन ट्रेनर बनने के लिए चले गए और उसकी मॉम वो भी चली गई, तो इसीलिए ब्रॉक जा नहीं सकता कोई रीजनल चैम्पियनशिप के लिए, जिसलिए वो ध्यान रखना पड़ता है। सो अब हम इसे लड़ सकते हैं और आई थिंक पिकाचू को काम करना चाहिए पहले। सो लेट्स गो। ओ तुमने कोई सबक नहीं सीखा अभी तक? तुम्हारा पी कचू मेरे सामने कुछ नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम रेडी हो मेरे को चैलेंज करने के लिए, पर मैं कह सकता हूँ तुम अभी भी हारोगे। जिम होने के नाते सारे चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा, चलो इसे खत्म करते हैं। सो गाइस हमने पी कचू को थोड़ा वो इलेक्ट्रो बॉल भी खोल करा दिया, जिससे हमारा अटैक अब बढ़ चुका है, क्या बात है। पर ये मर्ज स्पॉट कर रहा है अपने पे, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और तब भी हम कैसे भी ओके अब डिफेंस वाल जितना करना कर ले बाहर, मैं तो हरा दूंगा अब। और पिकाचू मरना नहीं चाहिए क्योंकि आने के सामने पिकाचू ही काम आने वाला है, क्योंकि हमारा पिकाचू स्पेशल है यार वो। ओके ओके पोशन यूज करो पिकाचू, तेरे को हम कुछ नहीं होने देंगे। एक और पोशन, क्योंकि भाई मैं पिकाचू को कुछ करने होने नहीं दे सकता, तो ट्राई कर लेते हैं, मरा तो मरा। ओके अब लेट यूज अ पोशन।
एक आई थिंक अब थंडर शॉक से मर जाएगा, प्लीज मर जाना। सो हमने इसे हरा दिया यार कैसे भी। क्विक अटैक भी सीख रहा है, तो आई थिंक टेल विप की जगह, नहीं ग्राउल की जगह क्या मैन। और जिम ब्रॉक हार गया, ऑकोनेक्स को किला छोड़ दो, हमारा भाई बहुत बहुत मेहनत से उसे बड़ा किया है। तुम दी बिग बुली, तुम सब रुक जाओ, यह एक ऑफिशियल पोकन मैच है और हम इसे फिनिश करने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अभी तो हराया तेरे को भाई, धोखेबाज निकला। अपना पी को जो बिल्कुल भी रेडी नहीं है यार, आई थिंक जब स्विच कर लेना चाहिए, ड्यूड में स्विच कर लेते हैं यार, प्लीज रॉक थ्रो मिस हो जाना। ओके एक पोशन, कहीं मिस नहीं होने वाला। चलो ट्राई करते हैं कि ये स्लीप या स्टन स्पोर, तो क्या करूँ यार, स्टन स्पोर करता हूँ। ओके मैं तो गया स्काई, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसका सैन अटैक करके इसका गिरा दूँ। ओके चलो यार देख, कोशिश करता है, थिंक फिर मिस हो जाएगा, नहीं हुआ। सो गाइस एक और अगली एक और बार मैं लड़ाई करके आता हूँ। सो गाइस वी फाइनली 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 हजारों कोशिशों के बाद हमने ब्रॉक को हरा दिया। आई टुक यू फॉर ग्रांटेड एंड सो आई लॉस्ट एज प्रूफ ऑफ योर विक्ट्री। मैं तुम्हें बैच देता हूँ, ये ऑफिशियल पोकेमोन लीग बोल्डर बैच। भाई यार गाइस इतनी बार मैं रिसेट, मतलब कि इतनी बार मैं रीमैच रीमैच किया ना यार, बहुत बुरी तरह, बहुत। खेल साथ में ओके रॉक, ओके भाई 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 भाई, और टू टेल यू द ट्रूथ, आई गेट डिजर्व फॉर रेजिंग पोकेमोन देन मेकिंग देम बेटर। मैंने ही कैर करता एक पोकेमोन ट्रेनर को बनने के बारे में, मुझे बनना है दुनिया का बेस्ट ब्रीडर। आई मैं यहाँ का टाउन नहीं छोड़ सकता बिकॉज मुझे अपने भाई बहनों का ध्यान रखना है। तो तुम जाओ मेरा बोर्डर बैच लो और मेरा सपना पूरा करो। फ्लॉक तुम जाओ अपना सपने को फॉलो करो। मेरे पापा, मैं एक ग्रेट पोकेमोन ट्रेनर नहीं बन पाया, इसलिए मैं एक फेलियर था, इसलिए मैं शेम्ड होके वापस अपने फैमिली के पास आ गया। बस बट अब ये टाइम है कि मैं अपने फैमिली का ख्याल रखूं ब्रॉक, और तुम जाओ अपने सपने पूरे करो। तो ये समय है मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ, दुनिया का बेस्ट पोकेमोन ब्रीडर बनूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग ऐश। भाई मैंने कुछ नहीं किया, क्या बात है यार, हैप्पी एंडिंग हो गई ब्रॉक की भी। पर यार इतना मैं रिसेट किया इतने बार इतने बार, और गाइस में कुछ दिखाना है, जो मेरा एटीट्यूड है वो पॉइजन पाउडर सीख गया, इसकी वजह से मैं जीत पाया। कितने बार मैं रीमैच किया यार, पिटा गया। ओह माय गॉड, बहुत गाइस यार, बहुत देखा जाए तो मुझे हार्डेस्ट जिम लगता है अभी तक का ये। सो गाइस अगले एपिसोड में हम अपनी जर्नी माउंट मून के लिए रवाना होंगे और कंटिन्यू करेंगे अपनी पोकेमोन की जर्नी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट एपिसोड। लक्ष्य तक पहुंचाता है, मजा आएगा, खेलो बेहतरीन, दाव शुरुआत से पहले फिसल के गिर जाओ।